आदि क्यों चला गया? प्लीज जाके अपनी बीवी के साथ होली खेलो। अपना नाटक बंद करो शकुन, छोटा सा बच्चा है वो, उसके दिल में कितनी नफरत पैदा करोगी अपने बाप के लिए, कितना जहर घोलोगी उसके मन में। शेम ऑन यू मैन। प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। I've moved on. तुम्हें अगर अपने पास में रहना है तो रहो, that's your problem. क्योंकि जानते हो क्यों? तुम आज भी अपने अतीत में जीना चाहते हो, जहां अब भी मैं तुम्हारा पहला प्यार, you just not over me. इसलिए अब भी तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, जकड़ के रखना चाहते। तुम ना अपनी खुशी चाहते और ना मेरी। And the fact is, you can't take it कि मुझे अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान मिल गया जिसके साथ मैं finally खुश हूँ। You're just an unhappy man. और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खुशियों को बर्बाद करो, इसलिए मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। Understand? अरे shut up यार, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, कि मैं आज तक तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, I still love you, ये गलत फहमी पाल रखी है तुमने। तुम कुछ परी हो, कोई हूर हो तुम? तुम ही ऐसा सोचते थे, और क्लियरली अब भी तुम ऐसा ही सोचते हो। Exactly. लेकिन तुम भूल गई, तब मेरी आंखों पे चश्मा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आंखों पर पड़ा हर पर्दा उठ गया। So, ladies and gentlemen, आप सब के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। हमारे यहाँ आए हुए सारे कपल्स में से कोई एक लकी कपल हम सबके लिए परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, इस बोल में सब गेस्ट के नाम, अब मैं इसमें से एक चिट निकालूंगा, जिसका नाम निकलेगा वो हम सबके लिए परफॉर्म करेगा। Let's go. Is Mr. Aman Bhalla and his better half, Mrs. Ishita Bhalla. Yay! Come on, Ishima! Come on, Ishima! Ishima, please go! No! Beta, main thodi na dance kar sakti hu aise. Papa, please go! Papa, please go! Mr. and Mrs. Bhalla, will you please come up? ये है तुम्हारा प्रेजेंट, मद्रासी बहनजी डॉक्टर। जा, जाके अपनी बीवी के साथ डांस करो। It'll help you get over me. तुम जानती हो, किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि पालने का शौक है ना तो जहरीला सांप पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालना। तुम मेरा वो बीता हुआ काला कल थी। तुम जिसे बहन जी मद्रासन डॉक्टर कह रही हो ना, मेरा आज है, जो मेरे कल से कहीं ज्यादा सुकून देता है मुझे। यकीन नहीं आ रहा ना, साबित मैं करूंगा। क्या है, मेरी बीवी है। हम जिस रेट पे तुम दोनों जा रहे हो, लगता नहीं बीवी बनने का सुख तुम्हें नसीब होगा। लेकिन एक पति पत्नी शादीशुदा जोड़ा जब होली खेलता है तो कैसे खेलता है, मैं तुम्हें दिखाता ये रमन को क्या हो गया? पापा, ईशिमा। मैं नहीं। आओ। मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। पत्नी हो ना मेरी, तो अपने पति के साथ डांस करने में कैसा शर्माना? आओ। नो। रूही के खातिर।
क्या हुआ शकुन? जलन हो रही है? रब्श, I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोई तो है जिसे फर्क पड़ता है. डांस करवाया और अब मेरे करीब आने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा. होली तू मेरे करीब नहीं आ सकती इस तरह से. छोड़ो बीवी होना मेरी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अभी वरम मुझे दिखाने जा रहा था खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के. आदि, आदि मेरी बात सुन. आपने मुझसे झूठ कहा था. आपने कहा था वो बीबी सिर्फ नाम के लिए. आप उसे रूही के लिए लाए हो. आप उनसे प्यार नहीं करते. झूठ कहा था आपने. नहीं आदि, मैंने कोई झूठ नहीं कहा. मेरे विश्वास कर प्लीज. अशोक डैड ठीक कहते थे. मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था. आदि, आदि मेरी बात सुन. मुझे कुछ नहीं सुनना. पहले आपने मुझसे कहा था कि वो औरत यहाँ नहीं आएगी. यू आर अ लायर. आपने मुझसे झूठ कहा. क्या आप जानते हैं आज उस औरत ने मेरी मॉम की कितनी इंसल्ट की? आई हेट हर एंड आई जस्ट हेट यू. आदि, गुड शो अशोक. एक बार फिर रमन आदि की नजरों के सामने गिर गया. रमन क्या हुआ है? आदि आपसे ऐसे रूडली क्यों बिहेव कर रहा था और आपने उससे कुछ कहा क्यों? मुझसे क्या पूछा? अपने आप से पूछो ना. तुमसे किसने कहा था मुंह उठाकर यहाँ चले आओ? घर पे बोल के आया था ना मैं यहाँ अकेले आना चाहता हूँ. मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आदि से मिलने आया था. लेकिन तुम किसी की बात सुनती कहाँ हो? जहाँ जाती हो बखेड़ा खड़ा कर देती हो. माय सन हेट्स यू. नफरत करता है तुमसे. अपने बेटे के साथ कुछ पल बिताने की लालच में आया था. मैं होली खेलता नहीं हूँ. इसके बावजूद होली पार्टी में आया हूँ. मैं यहाँ खड़े खड़े मुझसे पूछ रही हूँ ऐसा क्या होगी? इसकी वजह तुम हो. यू आर द बड़ी रीजन. अगर आपको मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने ऐसे स्टेज पे मेरे साथ क्यों डांस किया? तब आदित्य को कोई परेशानी नहीं हो रही थी क्या? मुझे सपना आएगा कि आपका ऐसा कोई प्लान चल रहा था? हद है. एक तो वहाँ पे ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि आपको बहुत खुशी हो रही है और अब ऐसा रिएक्शन. व्हाई सच मिक्स सिग्नल्स रमन? प्रॉब्लम क्या है? The problem is you. Or... Guy. Sorry to interrupt. लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाई. तुम दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. और रमन, तुमने तो दिखा ही दिया मुझे और सबको कि तुम अपनी बीवी के साथ डांस कर रहे थे और उस डांस को कितना एंजॉय कर रहे थे. इशिता, तुमने भी उसका बड़ा अच्छा साथ दिया. एंड ऑफ कोर्स हैप्पी होली. हैप्पी होली. तो ये माजरा है. आप उन्हें दिखाने के लिए मेरे साथ डांस कर रहे थे. आप अपने एजेंडास क्लियर क्यों नहीं कर देते लाइफ के? आदित्य को खुश रखना है, शगुन को परेशान करना है. Actually, आपको अपनी पूरी लाइफ औरों के रिएक्शंस पे जीनी है. तो मैं मेरी लाइफ में गुस्से की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में रूही है और रूही हमारी. अरे शट अप यार. हर बात में रूही रूही रूही. बात बात में ना मेरी बेटी को बहाना बनाना बंद कर दो तुम. प्लीज, हाउ डेयर यू? हाउ डेयर आई? हाउ डेयर यू? मना किया था यहाँ आने से. लेकिन उसको अपनी ढाल बनाकर यहाँ चली आई तुम भी. रूही यहाँ खड़ी है. आप रूही के सामने मुझे दिखाई दे रहा है? अंधा नहीं हूँ मैं. मेरा बेटा तुम्हारी वजह से चला गया. आप बेटी की धौंस दे रही हो. आपकी प्रॉब्लम ये कि आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और उसकी सजा आप हमारी रूही को देते हैं. Just don't understand. भाई, क्या बच्चे के सामने हो? ए तू चुप कर. ओए, तू चुप कर. हाँ, और
हम लेके आए थे इशिता को यहाँ पे, समझा? मेरे कुश्ती के अलावा ना वो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। छड़ से इशिता चल मेरे साथ, मुझे इडली डोसा खाने का मन कर रहा है। तुम दोनों को जहाँ डूब मरना ना डूब मरो, मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इस वक्त मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। So to hell with both of you. Hey, Mehka! God, abhi chikti, yahan introduction ke liye kyun aa rahi hai? Hey, hi, I'm Trisha. Trisha Tandon. Hi. I'm sorry, nobody introduced us formally. Anyways, I must say, it was an amazing holi party. Maine aise holi party aaj tak nahi dekhi. Bhai, tumhe, do you remember that guy, Romy? जिसने मुझे रूम में लॉक कर दिया था? हाँ? Guess what? वो रमन का ब्रदर है। Isn't that so funny? I must say, it's a small world. एक तरफ रोमी है और एक तरफ तुम। भाई तुम्हें तुमने बताया नहीं मेरे से फ्रेंड? फ्रेंड्स? हाँ? नहीं, फ्रेंड्स तो कोई खास नहीं। रोमी ने बताया। एक्चुअली उसके मुंह से निकल गया। इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। You know what? मेरे भैया और भाभी ने मुझे लंदन से सिर्फ यहाँ पर इसीलिए भेजा है ताकि मैं मीर से मिलूं, उससे बात करूं, उससे जान लूं एंड देन बाद में उससे शादी करूं। इसलिए आई नीड योर हेल्प। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूं? ओह कम ऑन यार, वो तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है, यू मस्ट बी नोइंग उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी हॉबीज, फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह मैं तो भूल गई, कल मैं उसके साथ लंच पे जा रही हूँ। प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करो ना, व्हाट शुड आई ऑर्डर, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, प्लीज कुछ बताओ ना, उसे खाने में क्या पसंद है? मीर को ना स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसे ना वो लड़कियां बहुत पसंद है जो उससे ज्यादा तीखा खाना पसंद करती है। Are you serious? Spicy? हाँ हाँ, लाल मिर्च से भरा हुआ खाना होना चाहिए। और तुम्हें काम करना, जब तुम खाने के साथ सैलड ऑर्डर करोगी ना तो उसमें भी हरी मिर्च जरूर डाल। okay. Come, let's go. Time waste हो रहा है। Hey, I'll see you then. मैं बाद में टिप्स लेने के लिए आऊंगी। आज के लिए इतना काफी है। Bye. Let's go, Mir. आना आना, जरूर आना मुझसे टिप्स लेने। अपनी मिर्ची वाली डेट के बाद बात करने लायक रहोगी तो आओगी ना। आदि, आदि। तो सुना दे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आदि, मैं जानता हूं मैंने चोट पहुंचाई, पर ट्रस्ट मी, इशिता से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रॉमिस आदि, मैं उसे प्यार नहीं करता। एक काम कर, तू बता मैं क्या करूं कि तुझे यकीन हो जाए कि मैं उसे प्यार नहीं करता। Then prove it. प्रूव कीजिए कि वो औरत अपने कुछ भी नहीं। जैसा तू कहे उस तरीके से साबित करूं। बता कैसे करूं? अभी नहीं, मैं बताऊंगा आपको, सोच कर बताऊंगा जब तू क्या प्रूफ करना। क्या है रूही? मैं आपसे कटती हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? आपने इशिमा के साथ इतना फाइट किया, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे आपके साथ होली खेलनी थी तो मैंने जिद की ना, उसके लिए आपने उनको इतना डांटा। मेरी जिद से ही सब प्रॉब्लम होती है। अगर आपके डांट से इशिमा मुझे छोड़कर चली गई तो? कोई कहीं नहीं जा रहा है। आपको कैसे पता? सब लोग तो मुझे छोड़ कर चले जाते हैं, शगुन मम्मा भी, आदि भैया भी। वो लोग तुम्हें छोड़ कर नहीं गए रहे, लोग मुझे छोड़ के गए। पापा से नाराज है ना? तो फिर इशिमा भी आपसे ही नाराज है। नहीं रोई, इशिमा तुमसे बहुत प्यार करती, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे प्यार की खातिर वो मेरा गुस्सा भी सह लेगी। ऐसा नहीं होता बुद्धू पापा,
आपको उन्हें मनाना होगा। मैं उसे नहीं मनाने वाला। मैंने बोला ना आपको उन्हें मनाना होगा, बस फाइनल। और उनको गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट? उफ़ पापा, आपको कोई बात समझ में नहीं आती? हम लड़कियां हैं ना, हमको गिफ्ट से कोई भी मना सकता है। जितना बड़ा झगड़ा हो उतना ही बड़ा गिफ्ट। ईशिमा भी गर्ल है ना पापा, तो उनको भी गिफ्ट चाहिए। आपको उन्हें गिफ्ट देकर ये बताना होगा कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। पापा आपको इतना भी नहीं पता, हम सबको गिफ्ट अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये बताओ क्या गिफ्ट देनी चाहिए? सोचो सोचो। ठीक बात बताओ कि तुम पापा की बेटी हो या पापा की दादी। तो पहले आप प्रॉमिस करो गिफ्ट लाना है बस। नहीं, आज से पापा और रूही का प्रॉमिस अलग होगा। प्रॉमिस। लेकिन एक बात बताओ, आज तो होली है, सारी दुकानें बंद होंगी, तो क्या रूही पापा से कल तक नाराज रहेगी? पहले आप गिफ्ट तो लाओ, फिर सोचूंगी। गिफ्ट झांसी की रानी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। क्या दूं उसको?